वेल तो फ्रेंड्स आज मैं बात करने वाली हूँ स्कोडा रैपिड की ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में। तो फ्रेंड्स जो स्कोडा रैपिड TSI ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो इंडिया के अंदर 17 सितंबर को ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है। जो स्कोडा रैपिड है उसको 2020 ऑटो एक्सपो पे शोकेस किया गया था। तो फ्रेंड्स स्कोडा ब्रांड ने इसका जो बुकिंग है वो स्टार्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स इसका जो बुकिंग अमाउंट है वो 25,000 रुपीज रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये जो बुकिंग है वो हम कैंसिल भी कर सकते हैं, बट इसका जो रिफंडेबल प्राइस है उसके अंदर हमें 3,000 रुपीज कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ उस रैपिड की इंजन के बारे में तो फ्रेंड्स इसके अंदर हमें 999 cc 3 सिलेंडर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है, जो कि हमें 109 bhp के पावर आउटपुट के साथ और 175 Nm के टॉर्क के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स ये इंजन हमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ इस रैपिड की माइलेज के बारे में तो इसके अंदर हमें 16.24 kmpl का माइलेज देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स सेम 1.0 लीटर TSI पेट्रोल इंजन भी इसके अंदर हमें देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स वो हमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड्स जो स्मॉलर टर्बोचार्ज मोटर देखने को मिलती थी वो हमें 1.6 लीटर नेचुरली एस्पायर्ड इवेंट के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूले, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।